नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पर बनेगी वेब सीरीज। दिवंगत मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर एक वेब सीरीज बनाए जाने की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लेखक व गीतकार कौशल किशोर इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसे लेकर वे रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए हाल ही में कौशल ने समस्तीपुर जिले में अवस्थित उनके गाँव कर्पूरी ग्राम का दौरा किया है और रिसर्च के लिए कई लोगों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन के कुछ सबसे दिलचस्प किस्से सीरीज में दिखाए जाएंगे। इसे लेकर औपचारिक घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। इससे पहले भी गीतकार कौशल किशोर ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के समाज में योगदान को लेकर कई गीत लिख चुके हैं, जिन्हें कैलाश खेर और विशाल मिश्रा जैसे संगीतकारों ने अपनी आवाज दी थी। वहीं अब वेब सीरीज बनाए जाने को लेकर उनकी पोती नमिता का कहना है कि इस बात की बेहद खुशी है कि दादा कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर एक श्रृंखला बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने निकाली रिक्तियां। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट के कुल मिलाकर 32 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास लॉ कानून में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 18 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। लखीसराय के जलप्पा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 52 प्राकृतिक छटाओं और घाटीनुमा भूमि के बीच अवस्थित शक्तिपीठ मां जलप्पा देवी स्थान जिले में भी काफी प्रसिद्ध है। जलप्पा देवी पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को खूब लगती है। इसके अलावा यहां प्रत्येक पूर्णिमा, पंचमी, अमावस्या, मंगलवार एवं शनिवार को दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। चानन प्रखंड के पूर्व मुख्यालय बन्नू बगीचा से 2 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी क्षेत्र व जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित जलप्पा स्थान मुख्य रूप से गौ पूजा के लिए जाना जाता है। भूमि विवाद को कम करने के लिए नीतीश सरकार की नई पहल। राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जल्द ही दाखिल खारिज के साथ साथ स्थानिक दाखिल खारिज को शुरू करने वाली है। इसके तहत अब जमीन की खरीद बिक्री होने के साथ ही नाम तो बदलेंगे ही, इसके साथ ही जमीन भी दस्तावेजों में परिवर्तित हो जाएगी। इसका यह फायदा होगा कि नए प्लॉट का नक्शा भी चौहद्दी व नए नंबर के साथ रैयत को प्राप्त हो जाएगा, जिससे जमीन के लेन देन में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि सरकार की इस व्यवस्था के लागू हो जाने से हर एक गांव का नक्शा रियल टाइम हो जाएगा और कोई भी सूचना छिपी नहीं रहेगी। इससे भूमि को लेकर विवाद भी कम होंगे। विभाग द्वारा इस संबंध में 1 मार्च से 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना से वरीय पदाधिकारी ट्रेनिंग देंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार हुई अलर्ट। देश के 5 बड़े राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से जांच और सतर्कता को बढ़ाने का निर्देश सभी जिले के अधिकारियों को दिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 3 जिलों नवादा, औरंगाबाद और पूर्णिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इन जिलों में विशेष तौर पर डीएम व एसपी को संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तलाश करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं, इसे लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने और फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की घोषणा करने का निर्देश दिया गया है। डाकघर के खाताधारकों को बिना कोई चार्ज कटे ही मिलेगा अलर्ट मैसेज। डाक विभाग के खाताधारकों को भी अब अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होने पर अलर्ट मैसेज मिलेंगे। इसके साथ ही इस अलर्ट मैसेज के लिए खाताधारकों को किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उनके अकाउंट से चार्ज के नाम पर कोई शुल्क नहीं कटेंगे। इसके तहत डाक विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार डाकघर अपने खाताधारकों को हर ट्रांजैक्शन की सूचना एसएमएस के जरिए मोबाइल पर भेज रहा है। इसके साथ ही खाते को आधार व मोबाइल से लिंक कराने की भी सूचना दी जा रही है। इसके अलावे लाभुकों को ट्रांजैक्शन के डाक बीमा की प्रीमियम जमा, बचत खाता, आरडी खाता और किसान विकास पत्र लेने पर भी ग्राहकों को एसएमएस भेजा जाएगा। बीपीएससी की कार्यप्रणाली को अपनाएगा हरियाणा लोक सेवा आयोग। बिहार में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को संचालित करने वाला बिहार लोक सेवा आयोग के तर्ज पर ही अब हरियाणा लोक सेवा आयोग अपनी कार्यप्रणाली अपनाएगा। इसके तहत एचपीएससी के 2 सदस्य ने बीपीएससी कार्यालय पहुंचकर आयोग की कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। इस दौरान एचपीएससी के सदस्यों ने बीपीएससी के अध्यक्ष आरके महाजन और सचिव केशव रंजन प्रसाद से भी मुलाकात की। इसके साथ ही बीपीएससी परीक्षाओं के विज्ञापन प्रकाशन से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक हर चरण के बारे में विस्तार से बातचीत की और इनकी बारीकियों को समझा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बीपीएससी के साक्षात्कार प्रक्रिया की नई कोडिंग व्यवस्था, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था और मूल्यांकन व्यवस्था से विशेष रूप से प्रभावित दिखे। इसके साथ ही इन खूबियों को एचपीएससी के परीक्षा में अपनाने की बात भी कही है।
पाटलिपुत्र स्टेशन पर बनाए जाएंगे दो नए प्लेटफॉर्म। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ने वाली है। दरअसल यहां दो नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, इसे लेकर काम भी जारी है। इसके बनने से कुल 5 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद यहां ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे राजधानी पटना की उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा उत्तर बिहार समेत अन्य जगहों के लिए यहां से अधिक ट्रेनें चलाए जाएंगे। इस काम की जुलाई तक पूरी होने की संभावना है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए स्टेशन के उत्तर साइड दीघा एंड की ओर फुटओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है। स्कूलों में मैथिली और भोजपुरी की पढ़ाई को मिली नीतीश कुमार की सहमति। इन दिनों बिहार के स्कूलों में मैथिली और भोजपुरी भाषा पढ़ाए जाने की मांग चर्चा में बनी हुई है। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद में अब अपना बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैथिली की पढ़ाई स्कूल में हो, इससे मैं सहमत हूं। मैथिली का विकास बिहार का विकास है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई तकनीकी अड़चन नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में फैसला शिक्षा विभाग की राय के बाद ही हो सकेगा। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के उठाए गए सवालों के जवाब देने के बाद विशेष प्रसंग में नीतीश कुमार ने ये बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केवल मैथिली ही नहीं भोजपुरी की पढ़ाई भी होनी चाहिए। जल्द ही शिक्षा मंत्री इस मामले में सकारात्मक कदम उठाएंगे। बिहार में सेवा शुल्क के नाम पर बैंक कमा रहे हैं मोटी रकम। बैंक द्वारा कई तरह के सेवा शुल्क के नाम पर आपके अकाउंट से कुछ राशि अक्सर ही काटी जाती है। बैंक सिर्फ सेवा शुल्क के नाम पर ही हर साल मोटी कमाई कर लेता है। इस संदर्भ में अब बिहार से भी रिपोर्ट आई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के मुताबिक बिहार में बैंक हर साल सेवा शुल्क के नाम पर 870 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर रहे हैं। आरबीआई इस पर हर साल एक नेशनल रिपोर्ट जारी करती है। इसके अनुसार बिहार में बैंकों की ब्रांचों की संख्या के आधार पर यह औसत अनुमानित है। ये राशि SMS अलर्ट, ATM चार्ज, न्यूनतम बैलेंस सहित अन्य सुविधाओं से वसूले जाते हैं। वहीं कई सेवा शुल्क के बारे में ग्राहकों को तो जानकारी भी नहीं हो पाती है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 की हो गई समाप्ति। बीते दिन ऐच्छिक विषयों की परीक्षा होने के साथ ही बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षाएं खत्म हो गई है। दोनों पालियों में कल ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं ली गई थी। आपको बता दें कि इन विषयों की परीक्षा में प्राप्त अंक को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाता है और सभी विद्यार्थियों के लिए यह विषय लेना अनिवार्य भी नहीं होता है। परीक्षा के अंतिम दिन बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने राजधानी पटना के कई केंद्रों पर अचानक पहुंचकर उनका निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने परीक्षा संचालन के संबंध में भी जानकारी ली। वहीं सभी केंद्राधीक्षकों को कोरोना गाइडलाइन के तहत सफलतापूर्वक मुख्य विषयों की परीक्षा संपन्न कराने के लिए बधाई भी दी। अब जल्द ही कॉपी को जांचने का काम भी शुरू किया जाएगा। बिहार के पर्यटकों के लिए IRCTC लेकर आया है लग्जरी ट्रेन में बुकिंग कराने का खास ऑफर। लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट में बुकिंग कराने के लिए IRCTC बिहार वासियों के लिए एक खास ऑफर लेकर आई है। अगर आप भी इस लग्जरी ट्रेन की सवारी करना चाहते हैं तो IRCTC आपको बुकिंग में डिस्काउंट देने वाली है। दरअसल बिहार के पर्यटकों के लिए बुकिंग में 35% तक की छूट दी गई है। आपको बता दें कि इसमें सफर करने के लिए एक यात्री का खर्च 3,20,130 रुपये आता है, जबकि बिहार के लोगों के लिए स्पेशल पैकेज के रूप में 2,08,090 रुपये लिए जाएंगे। यह पैकेज 6 रात 7 दिन का है, जिसमें कर्नाटक सहित साउथ इंडिया के कुछ खास जगहों में घुमाया जाएगा। इसके साथ ही इस दौरान विमान से पटना से बेंगलुरु जाने और आने का किराया भी फ्री होगा। राज्य के 20 जिलों में कराया जा रहा है जमीन का सर्वे। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 20 जिलों के जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मियों को स्पेशल ड्यूटी दी गई है। इस संबंध में विभाग ने फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें से 3 जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें नालंदा, पश्चिम चंपारण और सुपौल शामिल है। इसके अलावा किशनगंज और सीतामढ़ी खराब प्रदर्शन के साथ सबसे अंतिम पायदान पर है। गोपालगंज के अभिषेक कुमार यादव का हैरी प्रीमियर लीग सीजन 7 में हुआ चयन। गोपालगंज के अभिषेक कुमार यादव का चयन हाल ही में श्रीलंका में खेले जाने वाले हैरी प्रीमियर लीग सीजन 7 के लिए चयन कर लिया गया है, जिसको लेकर आधिकारिक चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। इसमें इस टूर्नामेंट को लेकर कई तरह की जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत बिहार के इस युवा खिलाड़ी को इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मुकाबला करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, इस टूर्नामेंट की मदद से काफी रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, जिसके बाद अब अभिषेक कुमार यादव को 26 फरवरी तक अपना पासपोर्ट जमा करने की बात कही गई है। इनोवेटिव फार्मर अवार्ड के लिए पूरे बिहार से 3 किसानों का हुआ चयन। भारतीय कृषि अनुसंधान की ओर से कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले पूरे बिहार से 3 किसानों का चयन किया गया है। देश स्तर पर 5 किसानों को इनोवेटिव फार्मर और इनोवेटिव फेलो अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। इसके तहत वैशाली जिले से 2 किसानों को आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा में आयोजित कृषि मेला में पीएम नरेंद्र मोदी या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों सम्मानित करने की संभावना है।
बिहार में आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बीते दिन तबादला कर दिया है। विशेष स्वास्थ्य सचिव वैद्यनाथ झा का तबादला करते हुए योजना और विकास विभाग एवं सांख्यिकी विभाग में डायरेक्टर के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनके अलावा 2012 बैच के आईएएस अफसर संजीव कुमार को स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक संजीव कुमार को अगले आदेश तक योजना एवं विकास विभाग में संयुक्त सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जदयू के सभी विधानसभा प्रभारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। जनता दल यूनाइटेड अपने पार्टी जिलाध्यक्षों, लोकसभा प्रभारी और मुख्य जिला प्रवक्ताओं के बाद अब विधानसभा प्रभारियों को प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर का आगामी 6 और 7 मार्च को आयोजन होगा। इस प्रशिक्षण शिविर को जदयू मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभी 243 विधानसभा प्रभारियों को पार्टी के विस्तार संबंधी चीजों को समझाया जाएगा। वहीं इसकी घोषणा करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि अब तक के जिलाध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी और जिला प्रवक्ताओं के प्रशिक्षण में साथियों की रुचि और उत्साह को देखकर बहुत खुशी हुई है। इन आयोजनों से इस विश्वास को बल मिलता है कि जदयू अपने विचार और व्यवहार में बाकी पार्टियों से भिन्न है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के साथ रूस की निचली संसद ड्यूमा द्वारा 2000 में द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का अनुमोदन आज ही के दिन हुआ था। दीपा मेहता की फिल्म वाटर को 2006 में गोल्डन किन्नारी पुरस्कार आज ही के दिन मिला था। अकबर के दरबारी कवि बीरबल 1586 में विद्रोही यूसुफजई के साथ एक लड़ाई में उनकी जान आज ही के दिन चली गई थी। 1962 में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत आज ही के दिन हुई थी। आईपीएल टूर्नामेंट के निदेशक के रूप में 2009 में पूर्व सैन्य अधिकारी धीरज मल्होत्रा आज ही के दिन नियुक्त हुए थे। 1981 में भारतीय अभिनेता शाहिद कपूर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1994 में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार एसएच बिहारी का 1987 में आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। बिहार सरकार कर रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना पर काम। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत बियाडा की जमीन का उपयोग किया जाना है। इसके लिए यह भी बताया गया कि जहां बियाडा की जमीन नहीं है वहां जमीन अधिग्रहित की जाएगी। बता दें कि राज्य में बियाडा के अंतर्गत ऐसी कई जमीन है जिसे लोगों ने ले तो लिया मगर उसका उपयोग उद्योग धंधे में नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब उद्योग विभाग बियाडा की ऐसी जमीनों पर विचार करेंगे। इसके अलावा जल्द ही भारी संख्या में एथेनॉल इंडस्ट्री लगाने की प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। साल के अंत तक 15,000 घरों में मिलेगी पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस। पटना जिले के फुलवारी शरीफ से लेकर अनिसाबाद बाईपास होते मीठापुर तक पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इन इलाकों में 15,000 घरों में दिसंबर महीने तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके तहत पहले फेज में करीब 30 मोहल्ले और कॉलोनी को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र कैनल रोड, इनकम टैक्स गोलंबर सहित अन्य इलाकों में भी पाइप बिछाया जा रहा है। गेल के अधिकारी ने बताया कि पीएनजी कनेक्शन के लिए 4,500 रूपये एडवांस देने होंगे जिन्हें कनेक्शन कटवाए जाने पर उपभोक्ता को वापस कर दिया जाएगा। बिजली बिल की तरह ही उपभोक्ता जितनी गैस का इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से बिल मिलेगा। मौज मस्ती के चक्कर में बुरे फंसे मुखिया जी। बिहार के एक मुखिया को मौज मस्ती करना महंगा पड़ गया है। खबरों की माने तो बिहार के इस मुखिया ने सीएम नीतीश के निश्चय के पैसे से ऐस करना महंगा पड़ गया है। हालांकि इस बात के सामने आने के बाद पूरी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे वसूलने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, सरकारी राशि हड़पने में पंचायत सचिव को भी दोषी माना गया है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि डीएम ने घोटाले के आरोपी मुखिया रामस्वरूप सिंह पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुखिया पर आरोप था कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना लेकर ग्राम पंचायत बौरा में 2 बैंक खाते खोले गए थे। एक खाते से मुखिया ने स्वयं के नाम पर 15,00,000 रुपए की निकासी कर ली थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहा उतार चढ़ाव का अजब खेल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बीते 11 दिनों तक लगातार कीमत में इजाफा करने के बाद तेल कंपनी ने 12वें दिन ग्राहकों को 2 पैसे की राह दी थी मगर 13वें दिन फिर से कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दाम बढ़ने के बाद 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल के भाव क्रमशः 92.91 रुपये और 86.22 रुपये तक जा पहुंचे थे। वहीं 13वें दिन अब पेट्रोल की कीमत 34 पैसे बढ़कर 93.23 रुपये और डीजल की कीमत 36 पैसे बढ़कर 86.56 रुपये हो गए हैं।
विधानसभा में बीते दिन विपक्ष का दिखा जोरदार हंगामा। बीते दिन बजट सत्र का चौथा दिन था जहां विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित करने का फैसला सुनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, वृद्धा पेंशन को लेकर दिए जा रहे जवाब के दौरान विपक्ष के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया और इसके साथ ही नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को ही रोक दिया गया। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की मांग भी की गई। गौतम गंभीर ने बताई उमेश यादव को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करने की वजह। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का शानदार आगाज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बीते दिन से हो गया है, मगर इस बार टीम में कई खिलाड़ियों के फिट रहने के बावजूद भी फेरबदल किए गए हैं। उमेश यादव को भी फिट होने के बावजूद प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, इसकी वजह पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बताई है। उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ही स्टार स्पोर्ट्स के क्रिकेट कनेक्टेड शो पर कहा कि भारत अगर 3 गेंदबाजों के साथ खेलता है तो उसमें उमेश की जगह ईशांत बुमराह और सिराज होने चाहिए। सिराज ने पिछले मैच में अपनी तेज गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है। पिंक बॉल टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज को खेलना चाहिए। काजल से विवाद के बीच फिल्म के पोस्टर रिलीज में अकेले दिखे खेसारी लाल यादव। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच हंगामेदार विवादों के बीच उन दोनों की फिल्म लिट्टी चोखा का फर्स्ट लुक को आउट कर दिया गया है। इस मौके पर फिल्म के हीरो यानी कि खेसारी लाल, निर्माता निर्देशक सिंगर स्वाति शर्मा और पद्म सिंह पोस्टर रिलीज के दौरान शामिल रहे। हालांकि फिल्म की लीड अभिनेत्री काजल राघवानी इस खास मौके पर मौजूद नहीं रही। इसका सीधा कारण खेसारी और काजल के बीच हुए झगड़े को माना जा रहा है। वहीं मीडिया से सवाल पूछे जाने पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि काजल अभी यहां नहीं है। ऐसा नहीं है कि काजल अगर यहां होती तो हमारे साथ नहीं होती, वो फिल्म की अहम सदस्य है। वहीं इस दौरान काजल के साथ लिट्टी चोखा फिल्म की लास्ट फिल्म होने की बात को भी खेसारी ने खारिज कर दिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से कई यूजर्स ने हमें कमेंट के माध्यम से दिया था। उनमें से जिनके जवाब हमें अच्छे लगे हैं उनके नाम है मोहन राय, मनीष मोहरा, शुभ विचार, अजीमा फिरदौस, शंकर मुखिया, कुमार दिव्यानंद, असलम राज, अजीत कुमार, साहिल राज, नेहा पांडे, दिलखुश कुशवाहा, अतीक खान, विद्यासागर, शीला कुमारी, सुनील कुमार महतो। इसके अलावा हमें और भी यूजर्स के कमेंट अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार के किस सिंगर ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।